अध्याय है स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ तन सुखी जीवन नामक पाठ में स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताई गई हैं। इस पाठ में मुख्य पात्र दादाजी, दादी जी, सुषमा, तोशी, बिट्टू, हनी, खुशी और अनु हैं। दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रोजाना कसरत व्यायाम करना चाहिए, सुबह से हम टहलना चाहिए, खेलना भी चाहिए, स्नान करके शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें कपड़ों और घर के आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए कि जिससे कीटाणु नहीं पनप सकें और हम बीमारियों से बच सकें। हमें ऐसे खेल खेलने चाहिए जिनसे शरीर का व्यायाम होता रहे। हमें मोबाइल और वीडियो गेम से बचना चाहिए क्योंकि ये आँखों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। हमें शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए पानी और खाने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए, पानी को छानकर पीना चाहिए। फल और सब्जियों को भी हमें 2 या 3 बार धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। स्कूल में मिलने वाले डीवार्मिंग और आयरन की जो गोलियां होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनका भी अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और इनका अवश्य उपयोग करना चाहिए क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन भी सुखी होगा। दादाजी द्वारा सभी बच्चों को ये बातें बताई गई, सफाई से संबंधित बातें, खेलकूद से संबंधित, व्यायाम से संबंधित, अतः ये स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। स्वस्थ तन और सुखी जीवन यही जीवन के आधार होते हैं। गंदगी होने से हम बीमार हो जाएंगे और हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए हमें हम आसपास के वातावरण को सफाई साफ रखना चाहिए, नालियों की सफाई की जानी चाहिए, वातावरण को दूषित होने से बचाया जाना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा की जानी चाहिए, आसपास के घर और वातावरण में अवांछित तत्वों का समावेश नहीं होना चाहिए। कठिन शब्दार्थ, शाम, संध्या, सायंकाल, दादाजी, पिता के दादाजी, चौक, घर का खुला आंगन, बुड्ढा, तुलियों से बना कुर्सी, पुकारना, आवाज़ लगाना, मगर, किंतु, आखिर, अंत में, साफ, स्वच्छ, पांव, पैर, भौहें, आँखों के ऊपर की लाइन, ऐनक, चश्मा, गंदगी, अस्वच्छता, सफाई, स्वच्छता, बीमारी, रुग्णता, बचाना, रक्षा करना, खुशी, प्रसन्नता और तारफ, शाबाश, एक प्रशंसा सूचक शब्द।